हेलो दोस्तों, मैं जगमीत, मेरे चैनल पर तुहाडा सारयां दा स्वागत है। अज दे इस टॉपिक दे विच असीं कंप्यूटर दे जो कंप्यूटर विच जो हैंगस दी प्रॉब्लम्स है उहदे बारे अज आपां डिस्कस करांगे। देखो, कंप्यूटर विच जो हैंगस दी प्रॉब्लम्स है उहदे काफ़ी रीजनस ने। जिवें कंप्यूटर दे विच असीं कंसिस्टेंटली वर्क करदे रहिंदे आ, उहदे नाल की हुंदा है कि कुछ डुप्लीकेट फाइल्स, डुप्लीकेट कॉपीज़ साडे कंप्यूटर दे विच कुछ क्रिएट हुंदियां रहिंदियां। देखो, असी जेकर इन्हों रिमूव या डिलीट ना करिए कंटीन्यूअसली तो साडा जो कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है। अगर साडे कोल एंटीवायरस नहीं भी है, असी फिर भी कुछ कंप्यूटर विच कुछ स्टैप्स नू फॉलो करके असी इन्हों डिलीट कर सकते हैं, तो अपने कंप्यूटर की जो स्पीड है उन्हों तुसी वधा सकते हैं। सो इस वीडियो दे विच इहदे बारे जब डिस्कस करांगे, सो लैट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले स्टेप दे विच असी कंप्यूटर की जो लोकल सी उसकी डिस्क नू असी क्लीन करांगे। उस दे नाल भी साडे जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वह काफ़ी वध जांदी है। हाँ जी, लोकल सी नू क्लीन करन दे लई सब तो पहला असी जावांगे माई कंप्यूटर नू ओपन करांगे। लोकल सी ते असी राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टी नू असी प्रॉपर्टी दे विच जाना है, उत्थे असी क्लिक करना है प्रॉपर्टी। नैक्सट जो डिस्क क्लीन अप है, असी डिस्क क्लीन अप ते क्लिक करना है। देखो, यह कुछ थोड़ा टाइम प्रोसैसिंग लूगा। प्रोसैसिंग तो बाद जो ये कंप्लीट हो गया तो उस कुछ बॉक्स आने उन्होंने आप टिक करांगे। ठीक है, इस दे नाल भी कंप्यूटर दे विच जो डुप्लीकेट फाइल्स होंदियां वो डिलीट हो जांदियां, तो साडे जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो थोड़ी जी वध जांदी है। इस दे नाल साडे कंप्यूटर ते काफ़ी असर पैंदा है, तो असीं अपने कंप्यूटर की स्पीड है वो वधा सकते हैं। ये थोड़ा जा टाइम जरूर लैंदा है, पर ये नाल जो अपनी जो लोकल सी दी जो डिस्क हुंदी है वो क्लीन हो जाती है। देखो, ये क्लीन हो गई। नैक्सट हुण आपां जो बॉक्स है इहनू बॉक्स नू असी टिक करना है, जो अनटिक बॉक्स है सारयां नू करना है, कोई भी नहीं छड्डना। ठीक है, नैक्सट। हाँ जी, हुण असी ओके ते क्लिक करना है। हुण ये एक कमांड आऊगी डिलीट फाइल्स दी। ठीक है, डिलीट फाइल्स ते असी क्लिक करना है। हुण ये डिलीट हो जाणगियां जो सारिया फाइल्स ने, अपने आप यह डिलीट कर दूगा, डिलीट हो रही ने। देखो, हुण सारिया जो फाइल्स जो डुप्लीकेट फाइल्स सारिया डिलीट हो चुकी हैं। इस दे नाल जो साडे कंप्यूटर की जो स्पीड है वह हाई हो जाती है। सैकेंड स्टैप दे विच असी कंप्यूटर दे विच असी टाइप करना है %temp%। देखो, असी इस नू जो अपनी स्टार्ट वाली जो सर्च बार होंदी उस दे विच असी इस नू टाइप करांगे, तो उस दे नाल जो डुप्लीकेट फाइल्स होणगियां वो साडे सामने आ जाणगियां। हाँ जी, इस स्टैप दे विच असी सब तो पहला स्टार्ट मेनू ते क्लिक करांगे। स्टार्ट मेनू ते क्लिक करके असी इत्थे टाइप करना है परसेंट, जो असी शिफ्ट प्रेस करके पाउणा है %temp%। ठीक है, इसनों असी हुण एंटर प्रेस करना है। देखो, इस दे विच कुछ फाइल्स होणगियां जिन्हों असी डुप्लीकेट फाइल्स कहने हैं। हुण असी की करना है, असी कंट्रोल ए नूं प्रेस करना है, सारियां जो फाइल्स वो सिलेक्ट हो जाणगियां। डिलीट की नूं असी सिलेक्ट करना है, असी एंटर। देखो, कुछ फाइल्स दे विचों स्किप हो आपां करनियां नूं डिलीट नहीं हो सकदियां। देखो, 368 MB दे विचों डिलीट हो गया। इस तों बाद इह रिसाइकल बिन दे विच चली जांदी है, रिसाइकल बिन। ठीक है, ये रिसाइकल बिन नूं असीं एम्पटी करना है। इस तों बाद देखो, जो टैंप जो यह भी साडियां डुप्लीकेट फाइल्स होंदियां साडे कंप्यूटर दे विच, इहनूं भी असीं डिलीट करना, इहदे नाल भी साडे कंप्यूटर दी स्पीड ते काफ़ी इफेक्ट पैंदा। थर्ड स्टैप दे विच कंप्यूटर दी जो विंडो दी जो ऑपरेटिंग होंदी उसनूं डिसेबल करना है, और डिसेबल करन तों बाद भी साडे कंप्यूटर दी स्पीड है काफ़ी हाई हो जाती है। हाँ जी, इस स्टैप दे विच असीं विंडो दी जो ऑपरेटिंग उहनूं असीं क्लोज करना है। असी जाना है फ्लैग, जो नीचे साढ़े टास्क बार ते असीं फ्लैग नूं असीं उत्थे राइट क्लिक करना है। नैक्सट करना सी ओपन विंडो अपडेट। ठीक है, इत्थे क्लिक करना है। उस तो बाद एक पेज अपने सामने ओपन होगा, असीं फिर जाना है चेंज सैटिंग तो बाद असी देखो इतने नैवर चैक फॉर अपडेट्स, ये पहली मैं किया होया। ये वैसे अपने कंप्यूटर के इतने आ चीज़ सिलेक्ट होंगी है, इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली रेकमेंडेड। देखो, यू अनेबल करके रखना, यू असी फॉर नैवर चैक फॉर अपडेट्स नॉट रेकमेंड। देखो, इतों सिलेक्ट करना है, फिर इन दोनों अनटिक करना है, फिर ओके। देखो, ये की होंगे जो भी असी इंटरनेट चलाने अपने कंप्यूटर के जो विंडो अपने आप अपडेट नहीं होंगी, क्योंकि जो यह अपडेट होने लग जाती है नाले तो यह अपने जो विंडो का डाटा होंगे वह यूज़ हो जाता है,
ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸਰਵਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਅਪਡੇਟ ਅਨੇਬਲ। ਵਿੰਡੋ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਡਿਸੇਬਲ। ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਕੇ ਸਟੋਪ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੂਗਾ। ਸਟੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੰਡੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਡੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਕਸਪੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।